हार गया लेकिन खुद से जीत गया। मोहित नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर वह अब हरीश थक गया था। वह रुक गया, फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे चलने लगा, मगर अब वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियां में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन वह आज बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। मोहित की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आपको भी मोटिवेशनल स्टोरी को देखना चाहते हो तो धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।